अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जिसे मैं समझती हूँ कि हर बंदी को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो द टॉपिक इज़ टिप्स फॉर सेल्फ क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन फॉर कोविड पेशेंट्स। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मेंटली स्ट्रांग होना है। कोरोना डजंट मीन डेथ। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप हर चीज़ से फाइट कर सकते हैं। सो थिंक पॉजिटिव, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मीन्स कुव्वत मुदाफियत। वी कैन बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम बाई टेकिंग सफिशेंट डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। स्लीप अर्ली, वेकअप अर्ली, बिकॉज लेट नाइट जागने से आपका लिवर डिस्टर्ब हो जाता है एंड इनडायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। सो आपने अपना इम्यून सिस्टम को वीक नहीं होने देना है। हमें अपने इम्यून सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है ताकि हमारे इम्यून सिस्टम वायरस से स्ट्रांगली फाइट कर सके और हम जल्दी रिकवर हो सकें। लिमिट योर सॉल्ट इनटेक। जो फ्रोजन और प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनमें हाई लेवल ऑफ सॉल्ट होता है एंड WHO रिकमेंड्स द सॉल्ट इनटेक शुड बी लेस देन 5 ग्राम पर डे। सो वी शुड अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स, बट यू मे ऑल्सो कंसिडर रिंसिंग द कैंड फूड सच एज वेजिटेबल्स एंड बीन्स टू रिमूव एक्सेस सोडियम। लिमिट योर शुगर इनटेक, बिकॉज आपने मीठा कम से कम खाना है बट अगर आपको कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप हमेशा फ्रूट्स की तरफ जाएँ। लिमिट योर फैट इनटेक। सैचुरेटेड फैट्स जिसे आप बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसे आप अपनी डाइट से कोशिश करें लेस देन 10% आप इसे कर दें। सैचुरेटेड फैट्स को आप इस तरह अपनी डाइट से कम कर सकते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ कुक करनी है तो बजाय इसके आप उसको फ्राई करें, आप उसे ग्रिल कर सकते हैं, आप उसको स्टीमिंग प्रोसेस कर सकते हैं। समटाइम्स ऑयल यूज़ करना यानी कि फैट्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है फॉर कुकिंग। सो आप कोशिश करें अनसैचुरेटेड फैट्स यूज़ करें। अनसैचुरेटेड फैट्स मीन गुड फॉर फूड। सो इसके ऑप्शन में आपके पास ऑलिव ऑयल आ जाता है, सनफ्लावर ऑयल हो जाता है टू कुक फूड्स। कंज्यूम इनफ फाइबर। अगर आप अपनी डाइट में फाइबर्स का यूज़ करते हैं तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहता है, इससे आपको गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं आते और इससे आप ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं। स्टे हाइड्रेटेड। वाटर आपके पास सबसे चीपेस्ट और हेल्दीस्ट ड्रिंक होती है। जब हमारा इम्यून सिस्टम इंटेंसली वर्क करता है तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाती है। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रिंक करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और हमें ऐसे ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए जैसे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग टी एंड स्पेशली कैफिनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स, बिकॉज इन सब ड्रिंक से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है और अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी तो इम्यून सिस्टम इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकेगा। वी शुड इंक्लूड प्रोबायोटिक्स इन आवर डाइट। प्रोबायोटिक्स की सबसे अच्छी सोर्स होती है योगर्ट यानी कि दही। आपने अपनी डाइट में दही को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है। ये मिथ बहुत ज़्यादा सुनने में आया है कि कोरोना के पेशेंट्स को दही नहीं खाना चाहिए, इससे सीना खराब हो जाता है। इट इज़ टोटली रॉन्ग। दही खाने से तो आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है। आपने अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ रखना है। सिट्रस फ्रूट्स वो होते हैं जो खट्टे होते हैं लाइक ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, बिकॉज सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी होता है जिसे हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है। सो वी शुड इंक्लूड सिट्रस फ्रूट्स इन आवर डेली रूटीन। ये थी मेरी कुछ टिप्स फॉर कोविड पेशेंट्स। आई होप इन टिप्स से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।